अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नए दिन के साथ नया व्लॉग शुरू करते हैं। कल रात को भी इमोन एडिटिंग जब कर रहा था तो लेट हो गया था एडिटिंग करते करते। कल रात को भी वीडियो एडिटिंग की वजह से लेट हो गया था, लेकिन आज फिर हम उठ गए हैं 10 बजे। और ये मेरी मेहंदी का कलर जो है वो थोड़ा डार्क हो गया, ये वाला तो बहुत ही अच्छा कलर था। तो चलो अभी ना इमोन के फ्रेंड्स जो है वो इधर है, तो अभी देखते हैं नाश्ता क्या करते हैं। मैं जा रही हूँ किचन में, अभी 10 बजे हम उठे हैं और वो लोग भी उठ गए। चलो लेट्स गो, अभी भी नींद। कल का खाना ना बहुत बच गया था, वो लेके आए, तो अभी मैं गरम कर रही हूँ। निकाल दी ये मटन, ये चिकन, सलाद, खीर, ये भी क्या है कबाब, और ये रहे राइस। चलो अभी ना हम सब अपना कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, ये अच्छे से खाना था। ना चाय में मैंने ओवल्टाइन डाला है और ये चाय भी रेडी हो गई है। चलो अलीजा मैगी अशो अशो अशो, ये देखो देखो मैगी तो शर्मी के पास आ गए। वो देखो उधर शर्मी मैगी से डरती है और मैगी उसी वजह से। मैगी कमल, अलीजा तुम्हारी दोस्त। अरे 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 कुछ नहीं करेगा तुम। तो चलो अभी नाश्ता वाश्ता कर लिया है, अभी थोड़ा सा ऐसे ही बातें कर रहे हैं, चाय वाय भी पी। तो अभी ना मैंने जो वलीमा है ना उसकी वीडियो लगा दी है, वो हम चेक कर रहे हैं कैसे है, और मुझे कमेंट्स से बताना कैसा लगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स तो आ रहे हैं, अभी भी अपलोड किया अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आ गए। सो यू गाइस आर एंजॉयिंग, मुझे भी बहुत मज़ा आया, आप लोग को भी मज़ा आ रहा है, सो आई एम सो ग्लैड। फोटोग्राफीज तो अभी आनी है, लेकिन ये फ़िलहाल मैंने वीडियो से ही क्लिप लगाया है ये फ़ोटो, और उसके अलावा मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ अभी वीडियो कैसी है। तो यार कल आए थे ना अभी तो शर्मीन को भी एलर्जी हो गई बॉडी में, तो हमें शक है कि यहाँ पे जो सोफ़ा सेट पड़ा हुआ था ना, जो सोफ़ा सेट पड़ा हुआ था शायद उसमें था ना एलर्जी। तो डस्ट एलर्जी ना, डस्ट होगी डस्ट। हाँ तो बाहर पूरा रख दिया है धोने के लिए सोफा, पूरे घर को स्प्रे कर दिया है। गाइस मैं अभी थोड़ा सो गई थी, 2-3 घंटे हो गए सो गए थे मैं और इमोन, क्योंकि कल रात को सही से नहीं सो पाए थे। कल हम ना मतलब 5 बजे तक एडिटिंग चल रही थी ना, इमोन एडिटिंग कर रहा था, उसके बाद जाके सोना हुआ और फिर सुबह फिर उठ गए, सोचो थोड़ा ही सोए, तो इसलिए बहुत नींद आ रही थी आज। तो मैं और इमोन सो गए, बाहर जाना था कुछ काम से, जो खाली स्पेस है ना मेरे वॉल में उधर कुछ करना है, तो उसके लिए बाहर जाना था आज, लेकिन जा ही नहीं पाए। तो आज हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रेस्ट करते हैं। और क्यों ना वेडिंग सीरीज चल रही है ना, मेहंदी हुई, वलीमा हुआ, तो अभी हमारी इंगेजमेंट कैसे हुई, कोरिया में हुई थी इंगेजमेंट वैसे तो, तो हमारी इंगेजमेंट कैसे हुई फॉरेन कंट्री में, तो वो हम ना आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो बेड जो है वो भी सेट हो गया, आज मैंने बोल दिया आज हम हमारा एंगेजमेंट जो है ना वो शेयर करने वाले हैं, हमारे एंगेजमेंट का वीडियो है बता रहे। हाँ बोल दिया सब कुछ। बहुत कम लोगों ने देखा है। हाँ तो वो अभी हम ना शेयर करेंगे फ्रेश होके चाय वाय पी के, ठीक है। आज इतना टायर्ड लग रहा है ऊपर से, अभी इमोन वाली में की वीडियो तो सबको अच्छी लगी बहुत, और बहुत तारीफ की लोगों ने माशाल्लाह। माने भी देख ली होगी, लेकिन इसे बड़ी 65 इंच टीवी में देखेंगे हम मिलके सब, ठीक है। हल्दी देखेंगे पहले। हाँ हल्दी नहीं, मेहंदी और वलीमा। इसको भी नींद से उठा के आई हूँ, देखो ड्रेसिंग टेबल में कैसे बैठी है। अरे लाइट बंद थी एक ना मैगी, ये भी लड़की है ना मेरी तरह, इसको भी सजने संवरने का शौक होगा, तो ड्रेसिंग टेबल में देखो। मैंने बोला था ना रूम में आएंगे तो आप अपनी लव स्टोरी शेयर करेंगे, तो आज ना मैं एंगेजमेंट डे शेयर कर रही हूँ, शायद कल ही लव स्टोरी आ जाए, है ना। तो अभी क्योंकि वलीमा में बिजी थे, तो चलो अभी ना हमारा एंगेजमेंट डे जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो एंगेजमेंट हमारी हुई कोरिया में, मेरी फैमिली बैठी और इमोन की फैमिली बैठी और मेरे फ्रेंड्स। असल में मसला सबसे बड़ा क्या था इमोन कोरिया में, लॉकडाउन था सबसे बड़ा मसला, और किसी भी फ्रेंड्स को दावत नहीं दे पाए। और मेरा और इमोन का बहुत शौक था कि जब हम इंगेजमेंट करेंगे ना, मतलब हमारी बात पक्की हो गई, हमारे पेरेंट्स राज़ी हो गए, इमोन के पेरेंट्स भी राज़ी ही थे। फिर क्या हुआ कि ना हमने सोचा कि कुछ फ्रेंड्स को बुलाएंगे और अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि लॉकडाउन था, तो कोरिया में आपको पता है बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है हर चीज़ में,
तो और वो लोग ना 5 लोगों से ज़्यादा गैदरिंग अलो ही नहीं कर रहे थे, और उस टाइम क्या हुआ कि रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बंद थे, तो हम कहाँ जाके इंगेजमेंट करें। हमने सोचा था एक मॉल है, बहुत बड़ा मॉल कोरिया में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो उसकी छत ना बहुत अच्छी थी डेकोरेट, मतलब पूरा ग्रीन वो था थीम उस छत का, कितनी अच्छी थी डेकोरेट। हम गए डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर, डिपार्टमेंटल स्टोर सोकंदों एरिया में ना, तो उधर हम लोग छत डिसाइड करके आए कि हम उधर छत पे इंगेजमेंट करेंगे बड़ा करके, और फिर उस बड़े से डिपार्टमेंटल स्टोर के उधर ना एक बहुत फूड कोर्ट था, उधर बहुत बड़ा एक पिज्जा का रेस्टोरेंट था, तो हमने बोला कि इधर हम सारे फ्रेंड्स को खिलाएंगे, सब कुछ डिसाइडेड था। लेकिन ऐसा लॉकडाउन आया, ऐसा कोरोना आया कि हमें कहाँ करनी पड़ी इंगेजमेंट, वो आप देख लो वीडियो में, बोल ही देते हैं कहाँ की, पता नहीं चलेगा। अनुपम के साथ बैठ गए, हमने एंगेजमेंट पार्टी की है क्योंकि बाकी दोस्तों को तो इन्वाइट नहीं कर सकते थे, हाँ, तो इसलिए। और जब हमारी एंगेजमेंट हो रही थी तो एक और सीन भी हो गया कि जो हमारा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का गार्ड होता है ना, वो आके बोला क्या कर रहे हो तुम, क्योंकि मैं और इमोन तो बहुत तैयार होके आए थे, तो वो मतलब हमें अलो नहीं कर रहा था, असल में बोल रहा था क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे तो अलो नहीं है, गैदरिंग कोरोना है, ये है वो है, कैंपस में बिल्डिंग मतलब पार्टी है बंद था उस टाइम, और उधर रहना कोरोना के लिए उधर अलो नहीं कर रहा था, यूनिवर्सिटी के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे घर की इतनी हालत ठीक नहीं थी कि मैं उधर एंगेजमेंट करूं। हम लोग उधर की सिक्योरिटी आए, बोला तुम्हारे हम लोग के पास 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर खत्म करना है, तो पूरा एंगेजमेंट जो हुआ था पूरा 10 मिनट में ही हुआ था। हाँ यार, फिर हमें निकला निकल के फिर घर जाके पार्टी किया। ये सारे फोटोज और फाइल्स वगैरह मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, फिर पूरा भी दिखाऊंगी। तो ये ना फोटो ओपन करते हैं, तो ये है हमारे एंगेजमेंट, ये व्हाइट गोल्ड रिंग्स हमने खरीदे थे कोरिया से, गोल्ड आपका, मेरा व्हाइट गोल्ड था, आपका डायमंड था, डायमंड रिंग लेकिन व्हाइट गोल्ड में। और ये अनुपम आया था हमारी पार्टी में, हमारा एक ही फ्रेंड, बाकी फ्रेंड रात को लेट किया था हमने बहुत, तो मैंने ये वाली ड्रेसिंग की थी, मुझे बहुत ही शौक है हमेशा से कि मैं इसको जैसे ड्रेस करूं, और इन्होंने 3 पीस फुल सूट पहना था। कुछ और फोटोज हैं फैमिली के साथ, ये अब्बा, राना भाई, माँ, एमापू, और ये हम तीनों, हाँ एमापू इस टाइम इंडिया में थी, पढ़ाई कर रही थी, ये जस्ट पाकिस्तान आने से पहले किया था हमने कोरोना सिचुएशन में। ये मेरे बाबा, राबिया, सोबिया, ये मेरी बहन है बड़ी दोनों, और ये इमोन, तो हमने ऐसे ऑनलाइन लाइव बैठ के किया, अम्मी, बाबा, सोबिया, और लाइव बैठ के किया एंगेजमेंट ऐसे ऐसे करके। ये हमारी एंगेजमेंट रिंग्स, और ये हम केक लेके आए थे पेरिस बेकवेट से, अल्लाह मेमोरीज याद आ रही हैं। ये हमारे कुछ फ़ोटोज, जल्दबाजी में कैसे कैसे किए, मैं खुद ही तैयार हुई, और ये मेरा हेयर कट अच्छा है, मुझे बताना मैं क्या फिर से छोटे हेयर्स करवा दूँ। और ये चलो अभी मैं वीडियो शेयर करती हूँ, ठीक है। Happy birthday to ring. How much? अम्मा छा करूं आने करूं बुदायो? अरे अम्मा बुदायो छा करूं आने बुदायो? नहीं चले ना। अम्मा आने बुदायो किये करूं? आने छा करूं मुंडी मारा ही विक्के विक्के? मुंडी मारे? बाबा बुदाय बाबा छा करूं बुदायो? बाबा सके दुआ पढ़ो पो मुंडी पा रहे हूं। सही, इसमें बंगाली गाना थी। पेरी दुआ दियो पो मुंडी पा रहे हूं। रुको मेरे फादर दुआ कर रहे हैं। तुम तुम्हारे फादर को बताओ ना, मेरे फादर दुआ कर रहे हैं। ये और शादी और अम्मा पर दुआ करते से हैं मुझसे। दुआ दुआ तो करें। अंकल को भी बोलो दुआ करें। क्यों ऐसा होता है यार।
बाबा दुआ पढ़ी पहले में आवाज अच्छी हां 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 तो ये दुआ करे शरीफ पढ़ी शरीफ वही चीज है तेरी इमन पर है बामा एंट्री तो मैं करवाता खैर मुबारक जलाने वाला जलाने की जरूरत नहीं 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 मैडम एंड सर कांग्रेचुलेशंस फॉर यू ये आपको मीटर करेंगे एक बराती आ गया हेलो चम्मच से करना क्या जी मैडम केक खा रहे हैं ना अपने मुंह में तो करो क्या बात है भाई खाओ यार ज्यादा नहीं खाओ ओह कांग्रेचुलेशंस भाई कांग्रेचुलेशंस अंकल आंटी केक खाए अभी आप लोगों को फ्यूचर में खैर मुबारक हाँ तुम केक कटो तुम वीडियो पे ठाया केक कटो अम्मी हाँ मैं तांजी वीडियो भी भरा केक कटो माँ तुम्हारे खबर दबर आसी की सुरु तुमको खबर दबर ने चीनी ले हो अम्मा बाबा जी ने वीडियो भी कटा केक कटन अनुभव है मापू अनुभव हाय हाय अरे आप दिल्ली में अभी दिल्ली में अच्छा सुबह तुम मिट्टी चिकारी सुबह जी मुंबई के लिए मिट्टी पे हुए मिलन होवे कत दिने सोबिया के भी खा रहा है उस केक सोबिया केक खा बाबा केक पे दे नहीं की बोलो तो तुम जरा केक रख दो स्क्रीनशॉट लेगा मेरा बहन दोनों ऐसे रखना रेडी ठीक है उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा अभी आपको मेरे बारे में बहुत चीज़ें पता चल रही हैं धीरे धीरे ना मैंने सोचा था जब मैं शादी करूँगी तो मैं ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी इंगेजमेंट वगैरह क्योंकि उस टाइम तो जल्दबाजी में पता नहीं क्या क्या हो रहा था फिर हमें पाकिस्तान आना था कोरिया छोड़ने का सोच रहे थे तो बहुत ही लाइफ में वो चल रहा था मसले तो अभी ना मैं जाके रिलैक्स हुई हूँ ना अभी आराम से मुझे लगता है कल का व्लॉग होगा माय लव स्टोरी व्लॉग सो आप लोग कल के व्लॉग के लिए रेडी रहना बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ और ये इंगेजमेंट डे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा कमेंट से बताना कैसा लगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखना सी यू टुमॉरो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल खुदा हाफिज़ बाय 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 बाय